इलेक्ट्रॉन कैप्चर, अगर अल्फा पार्टिकल ना निकला, बीटा नेगेटिव ना निकला, बीटा पॉजिटिव ना निकला, तो फिर एक और प्रोसेस हो सकता है, उसको इलेक्ट्रॉन कैप्चर बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन कैप्चर क्या होता है, जब एक न्यूक्लियस बना, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स हैं, न्यूक्लियॉन्स हैं, उसके आसपास एटम में इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में न्यूक्लियस के पास एनर्जी है, वो क्या करेगा, इनर शेल के शेल का इलेक्ट्रॉन ही उठा लेगा और अपने अंदर जो है उसको कैप्चर कर लेगा, वहीं से उठा के ले गया, के शेल का इलेक्ट्रॉन ही उड़ा गया और अपने अंदर जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया उसने। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में न्यूक्लियस जैसी बना, ना अल्फा निकला ना बीटा निकला, न्यूक्लियस ने इलेक्ट्रॉन उठा लिया के शेल का। अब के शेल के इलेक्ट्रॉन जब उठा तो न्यूक्लियस के अंदर कुछ प्रोटोन था, तो प्रोटोन ने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और न्यूट्रॉन बना दिया। तो एक और रिएक्शन है इलेक्ट्रॉन कैप्चर में, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या होता है, प्रोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कैप्चर होता है और न्यूट्रॉन बना देता है और न्यूट्रिनो पार्टिकल भी निकलता है। तो इसके अंदर जैसे पेपर में आएगा ए एक्स ए जेड है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके दिखाओ, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में क्या करना है, एक्स एलिमेंट में यहां पर ई जीरो माइनस वन कर लो, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ई जीरो माइनस वन को कैप्चर किया तो यहां पर ए आ गया और यहां पर जेड माइनस वन आ गया। वो पूछेगा वाई एलिमेंट का ए और जेड का क्या हुआ, तो अल्फा में क्या हुआ समझ में आ गया, बीटा में क्या हुआ समझ में आ गया, बीटा पॉजिटिव में, बीटा नेगेटिव में और इलेक्ट्रॉन कैप्चर में। बीटा नेगेटिव में ये इलेक्ट्रॉन राइट पे होता है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में ये इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे होता है, बस ये फर्क है। ठीक है यहां तक, ये भी क्लियर है, वो बताएगा कि क्या कैप्चर करना है क्या नहीं करना। अब नेक्स्ट है, और इस चक्कर में वो कह रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन कैप्चर होता है ना तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है एटॉमिक शेल में, के शेल में एक वैकेंसी क्रिएट होती है, वो जो वैकेंसी क्रिएट होती है वहां से एक्सरे निकलता है। हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, एक टॉपिक है एक्सरे, जो मेंस और नीट में है, सीबीएसई में नहीं है वो टॉपिक, तो एक्सरे का टॉपिक नेक्स्ट टाइम मुझे करवाना है, तो एक्सरे का टॉपिक मैं बताऊंगा एक्सरे कैसे निकलती है। ठीक, ऐसे इलेक्ट्रॉन कैप्चर से निकलती है, उस टाइम डिस्कस करूंगा इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर से अगर एक्सरे निकलती है तो इसका मतलब एक्सरे मशीन में रेडियो एक्टिविटी हो रही है। अगर मैं एक्सरे करवाने जाता हूं तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा न्यूक्लियस छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो रहा है और इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कैप्चर हो रहा है, जिससे कि एक्सरे निकल रही है। सोचो मशीन खराब हो या कोई गड़बड़ हो जाए और रेडियो एक्टिव अल्फा बीटा गामा निकल जाए, तो रेडिएशन लिखा होता है ना एक्सरे के आगे, हानिकारक है ये रेडिएशन, दूर रहे हानिकारक है। तो ये सारी जितनी मशीन हैं, एमआरआई मशीन है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, सब की सब इसी प्रिंसिपल बेस्ड है। एक्सरे तो स्पेशली इसके ऊपर बेस्ड है, रेडिएशन निकलती है, रेडियो एक्टिविटी करवाई जाती है उसमें। क्लियर है यहां तक, तो कंट्रोल्ड वे में करवाई जाती है, सब टेस्टेड है, बट फिर भी उसमें प्रिकॉशन एक लिखा होता है, थोड़ा डेंजरस है। ठीक, समझ में आ रहा है ना, क्यों, क्योंकि वो रेडिएशन हमारे ऊपर गिरेंगी तो सेल्स डिस्ट्रॉय करती हैं, सेल्स रेप्चर हो जाता है और गड़बड़ कर देता है, मेडिकल समझ सकता है, सेल का खराब होना कई सेल्स को खराब कर सकते हैं और प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक, गामा रे,